नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक विशेष विषय पर। दोस्तों, कितनी बार आपने देखा होगा कि इंसान अपने अनेकों इंद्रिय जैसे कि नाक पर, कान पर, जीभ पर वश करने की कोशिश करता है। इन चीजों पर थोड़ी आसानी से आप वश प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे कठिन है इंसान को अपने अशांत मन को शांत करना। अपने अशांत मन को काबू में रखना ही इस संसार में हर मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कठिन काम है। कुछ लोग इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन व सकारात्मक विचार आदि को अपनाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग अपने आप को शांत करने की कोशिश में पूरी जिंदगी लगा लेते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो वास्तव में ऐसा कर पाने में सफल हो पाते हैं। तो चलिए आज एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने अशांत मन को शांत करना सीखना चाहिए। चलिए आज एक कहानी के माध्यम से आपको ये बात बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम अपने अशांत मन को शांत कर सकते हैं। ये कहानी है गौतम बुद्ध के जीवन की। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। शाम का समय था, कुछ समय पश्चात सूर्यास्त होने ही वाला था। तभी गौतम बुद्ध व उनके शिष्यों की नजर नदी के पास पड़ी गीली मिट्टी से बने छोटे छोटे घरोंदों पर पड़ी, जो कि वहां बैठे बच्चे उनको बना रहे थे। बड़े सुंदर सुंदर छोटे छोटे घर उन बच्चों ने मिलकर बनाए थे। अचानक से एक बच्चा वहां आता है और जो बच्चे गीली मिट्टी से घर बना रहे थे उनमें से एक का जो पैर था वो गलती से दूसरे बच्चे के घर से टकरा गया और उस दूसरे बच्चे के घर का आकार थोड़ा सा बिगड़ गया। इतना होना ही था कि वो बच्चा उस दूसरे बच्चे पर बिगड़कर चिल्लाने लगा। इससे पहले वो सारे बच्चे बड़े प्रसन्न थे जब वो घर बना रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत कुछ मिल गया हो, अब उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही घटना घटती है, कुछ बच्चे एक तरफ हो जाते हैं और कुछ बच्चे दूसरी तरफ। वह बच्चे अपनी माता के साथ आए थे जो उस समय कपड़े धो रही थी। उनका झगड़ा चल ही रहा था कि अचानक से उनकी माताएं वापस आकर कहती हैं कि अभी तुरंत चलो क्योंकि अब शाम हो गई है। इतना सुनना था कि सभी बच्चे अपने ही बनाए हुए घर को खुद ही तोड़ने लगते हैं और जो बच्चे थोड़ी देर पहले मेरा घर तेरा घर कर रहे थे, वो सभी उन मिट्टी से बनाए हुए घरों को तोड़कर एक दूसरे के साथ अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। जब वो बच्चे उन मिट्टी के घरों को अपना घर समझ रहे थे, तब वो आपस में लड़ रहे थे और जैसे ही उन बच्चों को पता चला कि रात होने वाली है और असली घर जाने का समय आ गया है, तो बच्चों का मिट्टी के घर के प्रति मोह ही खत्म हो गया और उन्हें खुद ही कूद कूद कर उन घरों को तोड़ दिया। इस घटना को महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को दिखाया और कहा, घर जाते हुए बच्चों को देखो। सब उन बच्चों को देखते हैं, वो बच्चे शांति से हंसते हुए मुस्कुराते हुए आपस में बात करते हुए अपने घर की ओर लौट रहे थे। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक ऐसा ही हमारा जीवन है। जिस इंसान को निश्चित तौर पर ये बात पता होनी चाहिए कि एक न एक दिन हमें मरना ही है, रात होनी ही है, आज नहीं तो कल, अपने असली घर तो हम सबको वापस जाना ही पड़ेगा। तो हमें भी संसार के प्रति अपना सारा मोह, सारा रस खत्म कर लेना चाहिए। जब तक हम इस संसार की सारी चीजों को अपना समझते रहते हैं, तब तक ही हमारा मन अशांत रहता है। जब हमें लगता है कि ये सब कुछ यहीं मिला और एक दिन यहीं खत्म हो जाना है और हमारे साथ कुछ भी नहीं जाना है, तो धीरे धीरे हमारा जो मन है वो शांत होने लगता है। हम भीतर की ओर लौटने लगते हैं और भीतर वो आत्मा जो जन्म जन्मों से अनेकों रूप अनेक शरीर बदल कर रह रही है, वो जो हमारा इंतजार कर रही है कि कब हम उसकी ओर देखें, वो प्रसन्न हो जाती है। तो दोस्तों, आपके मन के अशांत होने का केवल एक ही कारण है कि आप वास्तविक सत्य को नहीं देख पाते हैं। सत्य तो ये है कि खुशी और आनंद हमारे अंदर है, किंतु हम बाहरी चीजों व लोगों में उसे ढूंढते हैं और उदास होते रहते हैं।
सत्य यह है कि खुशी उससे नहीं जो हमें मिलेगा, बल्कि उसमें है जो कि पहले से हमारे पास है। सत्य यह है कि जीवन बीता जा रहा है और समय हाथ से निकला जा रहा है, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा मन अशांत है। तो इसलिए अशांत मन को शांत रखने के लिए अपने जीवन को देखने के नजरिए में बदलाव लाइए। मृत्यु को अंतिम सत्य मानकर अपने हर क्षण को खुशी के साथ जीने में व्यतीत कीजिए। निश्चित रूप से आपका जो मन है वो भीतर की ओर जब चलेगा तो उसको जीवन का परम आनंद और शांति खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगी।